अभी ये बताओ ये कितने दिन से आप ये काम कर रहे हो ये वाला? मेरे को एक साल हो गए यहाँ पे। ये आपका सबसे फेवरेट मशीन? हाँ, केविन वेविन से हर चीज़ से, सब चीज़ से। हाँ तो आपका जैसे एक घर हो? घर से भी अच्छा है। घर से भी अच्छा है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इंडिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पे जिसका काम किया जा रहा है, जो कि है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तकरीबन 1250 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होने वाला है। आज़ादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा जो रोड नेटवर्क का काम है वो किया जा रहा है, और इस वक्त पे भी यहाँ पर काम देखने को आपको मिलेगा इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। इस तरफ ये जो जा रहा है, ये जा रहा है राजस्थान की तरफ, और इस वक्त जो आज मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ ये है हरियाणा। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये दिल्ली में स्टार्ट होता है डीएनडी फ्लाईओवर से, और खत्म होगा ये नवी मुंबई महाराष्ट्र में। जिन जगहों से ये गुजरने वाला है वो है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। जी हाँ, और जब कोई प्रोजेक्ट या जब कोई एक्सप्रेसवे हाईवे इतनी सारी जगहों से गुजरता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे लोगों को फ़ायदा होने वाला है, और इसीलिए यहाँ पर टीम हर वक्त काम करती हुई। कंपनी यहाँ पे जो काम कर रही है वो है एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। इस व्हीकल के ऊपर भी आपको ये दिख जाएगा, यहाँ पर इस वक्त पे बनाए जा रहा है पिलर्स, क्योंकि इस जगह पे ट्रैक होने वाला है इंडियन रेलवे का। डबल डेकर मालगाड़ी इसके नीचे से गुजरने वाली है, और इसके ऊपर होने वाला है NHAI का सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, और इसीलिए यहाँ पर काम किया जा रहा है, इस पिलर को बनाया जा रहा है। पिलर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं और अब पिलर कैप का जो काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे जो पिलर है ये होने वाला है कुछ इस तरह का यू शेप का, यहाँ पर भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। फिर यहाँ पर लोहे का ब्रिज बनाया जाएगा इस दोनों पिलर को आपस में कनेक्ट करने के लिए, और इसीलिए ये जो पिलर से आपको इतने स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से मालगाड़ी गुजरने वाली है वो भी डबल डेक, तो ये जो पिलर से इन पे दबाव अच्छा खासा पड़ने वाला है, और इसीलिए एक तो इस पिलर की हाइट भी अच्छी खासी की गई है और अर्थवर्क का जो काम है इस पिलर के पास अच्छा खासा किया गया है ताकि इसे सपोर्ट मिल सके। जी हाँ, क्योंकि एक तो इसके ऊपर गाड़ियों का भी लोड होने वाला है और दूसरा इस जगह पर इसके नीचे अच्छा खासा वाइब्रेशन भी होने वाला है, क्योंकि जब इंडियन रेलवे की मालगाड़ी यहाँ से गुजरेगी तो ऑफकोर्स प्रेशर तो इस पर अच्छा खासा पड़ने वाला है। इस तरफ आपको लेकर चलने वाला हूँ आज और दिखाता हूँ कि वाकई में क्या कुछ काम हुआ है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो चलिए, आज का सफ़र बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। इतनी खूबसूरत मशीनरी है ये, तो इसके ऑपरेटर से तो बात करनी चाहिए। चलो बात करते हैं, क्या बोलते हो? तो आओ चलो चलते हैं। तो आप में से बहुत लोग कहते हो ना कि भाई कभी जो मशीन चल रही है वहाँ पे, जो काम कर रही है उसका भी डिटेल दे दिया करो, या कभी बता दिया करो कि क्या कुछ या कैसे कुछ वो मशीन काम करती है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से ये मशीन काम करता है और क्या कुछ इसकी खासियत है। तो मेरे साथ भाई है जिनका नाम कमल है। ये है भाई हमारे साथ कमल। कमल भाई माइक पकड़ो आप। मेरा सबसे पहले सवाल है कि आप ये बताओ कि अगर ये पूरे दिन मशीन चलाओगे आप तो कितने किलोमीटर तक या कितने मीटर तक आप जो क्लीन करने का काम है मिट्टी का वो कर सकते हो? 600 मीटर। 600 मीटर दोनों साइड? हाँ। कितने देर में? 8 घंटे, 6 घंटे? 8 घंटे। 8 घंटे तो आप कह रहे हो कि 8 घंटे में आप 600 मीटर दोनों साइड कर सकते हो? हाँ। इतनी इस मशीन की कैपेसिटी है? हाँ। ओके, तो अगर आपने जैसे कहा कि ये 1 घंटे में कितना, 20 से 22 लीटर? हाँ, 20 से 22 लीटर। 20 से 22 लीटर खाती है। अब आप ये बताओ अगर नॉर्मल चलाओगे तो 15 लीटर। अच्छा, ओके। तो कितनी देर चलाते हो इसको, मतलब आप शिफ्ट में काम करते हो या कैसे काम करते हैं? नहीं, 8 घंटे की शिफ्ट। 8 घंटे की शिफ्ट होती है, उसके बाद ये पूरे फ्री? हाँ, फिर फ्री। हाँ, फिर ब्रेक मिलता है। तो अभी ये बताओ ये कितने दिन से आप ये काम कर रहे हो ये वाला? मेरे को 1 साल हो गए यहाँ पे। यहाँ पर आपका सबसे फेवरेट मशीन? हाँ, केविन वेविन से हर चीज़ से, सब चीज़ से। हाँ, तो आपका जैसे ये घर हो? घर से भी अच्छा है। घर से भी अच्छा है, चीज़ की सुविधा है, जैसे कि पानी के लिए भी ठंडा वाटर कूलर रखा हुआ है, इसमें अलग से दिया है। हाँ, और हीटर वगैरह सब एसी है केविन। तो मतलब कौन सी कंपनी का ये बताओ? गैस मोटर ग्रेडर। ये जो मशीन है बहुत हेवी है, क्योंकि आपको पता है, जैसे कि बताया, 1 घंटे में 20 से 22 लीटर फ्यूल खाती है ये। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग और कितना पावरफुल मशीन है ये। तो चलिए और भी आगे चलते हैं और फिर देखते हैं।
ये यहाँ पे पिलर्स बनाए जा रहे हैं, पिलर कैप का जो काम है वो भी किया जा रहा है। और जैसे ही ये जो सामने है रोड, उसे आप क्रॉस करेंगे तो वो दिख जाएगा, सामने जो रोड है वो है सोना पलवल रोड, और उसे भी ये क्रॉस कर रहा है। उस जगह पे जैसे आप पहुंचेंगे तो वहां पे अभी आपको दिख भी जाएगा कि जो पिलर है उनका काम हो चुका है, और पिलर कैप का भी। यहां पर अगर आप पूछेंगे कि ये जो एलिवेटेड पार्ट है ये कितना लंबा है, तो ये है तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा। 1,00,000 करोड़ की लागत से ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। ये इंडिया का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल का एक्सप्रेसवे भी बन सकता है। इस एक्सप्रेसवे पे हर 500 मीटर के बाद आपको रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, 25 किलोमीटर के बाद आपको चार्जिंग स्टेशन दिए जाएंगे ई व्हीकल गाड़ियों के लिए। ये जो अलाइनमेंट है पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, ये पूरा का पूरा ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट है। और इस अलाइनमेंट को सिलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में ही 16,000 करोड़ रुपए सेव कर लिए थे। इस पे 20,00,000 के आसपास पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे, और वो इस वीडियो के आखिरी में आपको दिख भी जाएगा, क्योंकि कई जगहों पर जहाँ पर काम इसका कंप्लीट हो चुका है वहाँ पर प्लांटेशन का भी काम कर दिया गया है, और उसके रख रखाव का काम भी जो कंपनी प्लांटेशन करेगी उन्हीं को दिया गया है अगले 3 साल तक के लिए। पलवल रोड को क्रॉस करेंगे तो आपको दिखने वाला है कि यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है पिलर्स, और पिलर्स तो बनकर तैयार हो चुके हैं, और एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम भी यहाँ पे किया जा रहा है क्रेन की मदद से। जगह यहाँ पे अच्छी खासी है कंपनी के पास काम करने के लिए, और इसलिए यहाँ पर क्रेन की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जा रहा है। इस जगह पे भी पिलर्स जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो पिलर्स की जो हाइट है वो आपको धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये आगे जैसे इस रोड को क्रॉस करोगे, ये है फरीदाबाद बल्लभगढ़ रोड जो कि सोना से होकर जाता है, तो इसे जैसे ही क्रॉस करोगे तो इसके बाद ये फिर ये जो एलिवेटेड पार्ट है ये नीचे की तरफ आ जाएगा, और फिर आपको प्लेन सर्फेस यानी कि हाईवे मिलने वाला है। यहाँ पर पिलर कैप का काम चल रहा है, क्योंकि पिलर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं, और पिलर कैप जो है वो इस पॉइंट पर बनाया जा रहा है। एक पिलर को दूसरे पिलर से जो कनेक्ट करना है वो भी यहाँ पे कर लिया गया है, और टीम के द्वारा यहाँ पर जो बचे हुए पिलर्स हैं उनको बनाए जा रहे हैं, और मोस्टली जगहों पे तो पिलर कनेक्ट करने का काम भी कर लिया गया है। ये यहाँ पे देखोगे तो आप जैसे ही इस रोड को क्रॉस करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपको नज़ारा दिखता है न्यू इंडिया का, नज़ारा दिखता है हमारे आपके कल का, हमारे आपके फ्यूचर का। यकीन मानिए इस देश का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आपने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी अपडेट देखा, आपने इसका भी अपडेट देखा, ये सारे के सारे जो कि चल रहे हैं हमारे देश में, ये हमारा और आपका फ्यूचर तय करने वाले हैं। और इस जगह पर जो टीम है उसके द्वारा यहाँ पर, क्योंकि अब ऐसा मत समझिएगा कि काम नहीं चल रहा है, सुबह का वक्त है 9:30 हो रहा है, और फिर भी उसके हिसाब से यहाँ पे अच्छा खासा काम चल रहा है, क्योंकि इस वक्त पे मैं इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से जो कनेक्ट करने का काम है वो तो कर दिया गया है, और अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टीम के द्वारा जो इसके ऊपर कंक्रीट का जो पार्ट बनाना है ताकि इसके ऊपर बनाया जा सके एलिवेटेड पार्ट, उसका काम किया जा रहा है।
तो वैसे तो ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है ये बनाया जा रहा है 12 लेन के लिए, पूरा जो अर्थवर्क का काम है, कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है, ये सारे काम जो किए जा रहे हैं वो 12 लेन के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमें और आपको जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 8 लेन। ब्लैकटॉप का जो काम है वो 8 लेन के लिए किया जा रहा है, 4 लेन ईस्ट साइड। उसके अलावा भी अगर फ्यूचर में इसमें और भी लेन ऐड करने हुए तो वो किया जा सकता है, क्योंकि लैंड एक्वायर NHAI ने अच्छा खासा किया है इस बार। और ये जो वॉल देख रहे हैं, ये वॉल इसी बात की गवाही देता हुआ कि यस, NHAI ने फ्यूचर को ध्यान में रखकर इस एक्सप्रेसवे को बनाया है, या फिर यूं कहें कि नितिन गडकरी और उनकी टीम ने फ्यूचर को ध्यान में रखकर ये एक्सप्रेसवे बनाया है। कि किसी भी प्रोजेक्ट का जो डिले का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है लैंड एक्विजिशन, और जब लैंड एक्विजिशन प्रॉपर टाइम पे हो जाए या फिर लैंड एक्विजिशन किसी प्रोजेक्ट का हो जाए तो उसे बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और आज तक के इतिहास में जितने भी ज्यादा से ज्यादा, और इनफैक्ट अभी भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि नहीं हो पा रहे, उसका सीधा और सीधा कारण है लैंड एक्विजिशन का, और लैंड एक्विजिशन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो अगर वहां की सरकार जो है उनकी सेंट्रल की गवर्नमेंट से नहीं बनती हो तो आप समझ सकते हैं आगे क्या होने वाला है। जैसा कि कुछ दिन पहले रेलवे की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि बुलेट ट्रेन की महाराष्ट्र में क्या डेडलाइन है वो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, और जब तक वो नहीं हो जाता तब तक वो कुछ इस पे कह नहीं सकते। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए NHAI ने इस पे तकरीबन जो लैंड एक्वायर किया हुआ है वो किया हुआ है 16 लेन के लिए। जी हाँ, फ्यूचर में इसे 8 लेन ईस्ट साइड किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इस पे तकरीबन 20 लाख के आसपास पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो यहां पर इस जगह पर ब्लैक टॉप का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और इसीलिए यहां पर आपको ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं। और जिस कंपनी ने इसे लगाया है उसी कंपनी के पास इसका मेंटेनेंस का भी जिम्मा है, तो 3 साल तक इसके रख रखाव का सारा खर्च वो कंपनी ही पे करेगी, और वो कंपनी ही जिम्मेवार होगी अगर इनमें से कोई पेड़ जल जाते हैं या खराब हो जाते हैं तो रिप्लेसमेंट का भी काम उसी कंपनी को करना पड़ेगा। ये जो 2 खंभे आपको दिख रहे हैं ये नए इंस्टॉल किए गए हैं यहाँ पर, जिसकी मदद से यहाँ पर ये जो केबल है इनकी हाइट को ऊपर किया गया है, और आसानी के साथ फ्यूचर में बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ इसके नीचे से जा सकती हैं। लगने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये जो नए डिजाइन के इलेक्ट्रिसिटी के जो खंभे आए ना, ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि ये जगह भी कम लेता है। टीम के द्वारा जो ये सीमेंट के बोरियाँ हैं, जो कट्टे हैं, उनमें मिट्टी डाली जा रही है, और इसके ये जो देख रहे हैं आप, ये जो बनाया गया है लेन, इसके साइड में डाला जा रहा है, इनको अच्छे ढंग से रखा जा रहा है और लगाया जा रहा है। और एक्चुअली ये बरसात की तैयारी हो रही है, जी हाँ, ताकि पानी का बहाव ज़्यादा तेज़ ना हो, और इनके लगाने से जो पानी है वो तो जाएगा ही जाएगा लेकिन बहाव उसका तेज़ नहीं होगा, और जिसकी वजह से जो मिट्टी है उसका कटाव भी रुक जाएगा। और ये अगर आप देखोगे तो दूर तक आपको ये दिखने वाला है, जहाँ भी लेन बन चुका है उसके साइड में ये लगाया जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो कुछ दिन पहले जब बारिश हुआ था तो उसकी वजह से देखिए मिट्टी का कितना कटाव हुआ है। और ये पहला मानसून है जो कि ये जो बनाया गया है एक्सप्रेसवे वो झेलने वाला है इस जगह पे, और इसीलिए इसकी तैयारी इस जगह पे की जा रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही बारिश हुई थी और उसकी वजह से अच्छा खासा यहाँ पे जो आप देखोगे ना तो डैमेज हुआ था। तो इसी डैमेज को कम करने के लिए यहाँ पर ये किया जा रहा है। आप देख रहे हो कितना डिटेल में काम किया जा रहा है इस पर, तो हर चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। ये सच में अनएक्सपेक्टेड था। इस एक्सप्रेसवे पे जब भी मैं कुछ कवर करने आता तो हर बार इस पे अनएक्सपेक्टेड सा कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, ये उनमें से एक है। नमस्कार जी, नमस्कार। एक दिन में कितनी कर देते हो, कितनी ये कट्टे आप भर देते हो इस? एक दिन में कितनी उम्र होगी? 70 से ऊपर हो गई। अच्छा, सेवेंटी प्लस उम्र हो चुकी है और इस उम्र में भी काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें और आपको एक्सक्यूज़ देने की कोई ज़रूरत है नहीं। और चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। दिन बड़ा अच्छा जाने वाला है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ जब आप बात करते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो इनके लिहाज से तो मैंने अभी तक कुछ काम किया ही नहीं, क्योंकि 70 की उम्र में एक दिन में 300 से ज़्यादा कट्टे, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये जो खूबसूरत सा एक्सप्रेसवे है,
इसे मैं इसी तरीके से आपको दिखाता रहूँगा और बताता रहूँगा कि किस तरीके से इस पर काम किया गया है और किस तरीके से इस पर काम किया जा रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और हाँ, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर लाइव अपडेट देखना है तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। Thank you.